योग हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना इस प्रकृति में और पूरे ब्रह्मांड में प्राकृतिक चीजों का होना जितना जरूरी है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से आप जितना अच्छी तरह से आप जुड़े रहेंगे, आप प्रकृति का और अपने स्वास्थ्य का और जीवन का तथा भौतिक सुखों का भरपूर तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से उसका आप आनंद ले सकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आप प्रतिदिन योग को अपने दैनिक दिनचर्या में आप शामिल करके रखें। महर्षि पतंजलि ने योग के जो 8 सूत्र बताए हैं, उन 8 सूत्रों के अंदर एक सूत्र और बड़ा ही अहम और बड़ा ही सुदृढ़ तरीके से अपनी महत्वपूर्णता को दर्शाता है, वो आसन है। क्योंकि जब तक हम अपने शरीर से अच्छी तरह से आसनों को हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके आगे के जो भी महत्वपूर्ण काम करने वाले और लाभ लेने वाले जो सूत्र हैं, उनका हम लाभ ले नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने शरीर के प्रति स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें और निश्चय करके रखें कि प्रतिदिन हमें सुबह सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करना, छोटे छोटे व्यायाम करना और आसन, प्राणायाम, श्वसन क्रिया, इन सब को आप करते रहें। जैसे सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं, तो सूर्य नमस्कार के अंदर हमारे बॉडी के जो पूरे के पूरे जो मसल्स ग्रुप और जितने भी सिस्टम हैं, उन सारे सिस्टमों पर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा आप सुप्त वज्रासना, ट्राइंगल और पश्चिमोत्तासना, पादहस्तासना, चानुशीर्षासना, ऐसे छोटे छोटे कुछ आसन हैं, जिन आसनों को आप करते हैं तो उससे आपको बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलता रहेगा। तो योग करते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। सुप्त वज्रासना की बात करें तो सुप्त वज्रासना जब आप करते हैं तो आपके शरीर के बीच वाले हिस्से में जितने भी ऑर्गन हैं, वो ऑर्गन एक तो आपका रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और बीच के जो ऑर्गन हैं वो ऑर्गन पूरी अच्छी तरह से काम करते हैं। काम करने से आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, गैस की प्रॉब्लम आपकी दूर होती है और गैस की प्रॉब्लम दूर होने से आपके जो सिरदर्द की जो समस्या है वो आपकी दूर होती है। क्योंकि हमारे मानव जीवन में सबसे ज़्यादा जो संभावित और प्रभावित होने वाली जो चीज़ें हैं वो पेट से ही शुरू होता है। यानी कि रोगों का जो जड़ है वो पेट ही है। अगर आपने अपनी पाचन क्रिया को यानी अपने पेट को अच्छी तरह से अच्छा ध्यान आप रखे हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए और जैसे उसी में आप बैठ करके सुखासन में, पद्मासन में आप कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें और नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ऐसे इन सब चीज़ों को करने से पहले जैसे आप योग शुरू करते हैं तो उसके पहले कुछ शुद्धि क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को आप जरूर करें। क्योंकि शुद्धि क्रियाएं करने से हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार जो होते हैं वो आपके निकल जाते हैं, यानी आपकी आहार नलिका आपकी जो है ना वो साफ हो जाती है। तो उससे आपको ये फायदा ये मिलता है कि जब भी हम योग करते हैं, एक तो हम बहुत अच्छी तरह से हम कर पाते हैं और करते करते उससे जितने भी लाभ हैं उनको हम ले सकते हैं। तो जब भी आप आसन करते हैं तो आप धीरे धीरे करें और प्रतिदिन करें, क्योंकि आप प्रतिदिन जब करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा, जिससे आपके जो स्वास्थ्य लाभ है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप ले पाएंगे। इसलिए
आप बने रहिए संजय पांडे जी के साथ में।